Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha farmati hain, Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam jab kisi mareez ki iyadat aur bimar pursi karte, साबित हुआ कि मरीज की अयादत करना सुन्नत, और इसमें तमीज़ नहीं कि वो मुस्लिम है, मुशरिक है, मवाहिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी लड़के की अयादत की और उसकी हालत उस वक्त ख़राब थी, मौत के करीब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लड़के कलमा पढ़ ले। उसने अपने वालिद की तरफ देखा जो सिराने खड़ा हुआ था, उसने भी कहा बेट जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं पढ़ ले। उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे ज़रिए से एक जान को दोज़ख से निजात दे दी। तो मरीज़ के पास जाकर उसकी इयादत करते हुए उसे तौहीद की दावत देनी चाहिए। जानते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, और ये कब्र परस्त है, बिदअती से जहाँ कहेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, वहाँ ये भी कहें अल्लाह के अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं, ताकि असल ज़िंदगी तो आखरत की ज़िंदगी, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशा फिल आखिरा, आखरत की ज़िंदगी। तो किसी मरीज़ की अयादत, इसका सवाब भी बड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को अगर कोई किसी मरीज़ की इयादत करे तो शाम तक 30,000 फरिश्ते उसके हक में रब से उसकी मगफिरत की दुआएं करते रहते। शाम तक उनकी ज़िम्मेदारी यही है, और अगर कोई शाम को करे तो सुबह तक ये फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते। कितना सवाब है। और अब तो बैठे बैठे मोबाइल दबाएं और पूछें, शेख शराफत आप कैसे हैं, शेख सदीक आप कैसे हैं, भाई इतना ही करें, फरिश्तों की लाइन लग जानी, फरिश्तों ने अपने काम शुरू कर देना। और फरिश्ते कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। जब अल्लाह चाहता है कि मेरे फरिश्ते मेरे बंदे की मगफरत की दुआ करें तो फिर मगफरत होगी कि नहीं होगी। तो मरीज़ की इयादत किया करें। कोई तालिब इल्म बीमार है, तालबात भी एक दूसरे का ख्याल रखें, बीमार है उसकी बीमार पुरसी करें, उसको नाश्ते का बंदोबस्त करें, डबल रोटी खिलाएं, उन्हें दूध पिलाएं, इनको कावे पिलाएं, इनको बीमार पुरसी है, इयादत करें। आप इसमें जहाँ रहते हैं वहाँ एक दूसरे का ख्याल रखें। फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अधेबिल बास, बीमारी को दूर कर दे रब्बन्नास, ए लोगों के रब, ए लोगों के रब बीमारी को दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किससे दुआ कर रहे हैं? अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से। इमामुल अंबिया हैं, सबसे अफजल है उम्मत में, लेकिन आप भी ये अकीदा तौहीद फैला रहे हैं कि शिफा देने वाला इश्फे शिफा अता फरमा, अंत शाफी, तू ही शिफा देने वाला, तू ही शिफाए देने वाला, ला शिफा इल्ला शिफा, तेरे शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा दे, शिफा अल ला युगा दे रुसाका मा, जिसके बाद कोई बीमारी बाकी ना रहे। यानी जब बीमार पुरसी करें दुआ ये नहीं आती, उर्दू में कह दें या अल्लाह इसको शेर दे दे, या अल्लाह इसको ठीक कर दे, उर्दू में कह दें, पंजाबी में कह दो, सरेकी में कह दो, अपनी जुबान में कह दो, दुआ ज़रूर दें बीमारी।
जाके माँ ये नहीं कहना हाँ तू तो मर ही जाना है बस तेरा तो काम अखीर लगा, वो पहले ही मर जाएगा बेचारा। आखिर तक हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, आखिर तक। एक दफा मैं स्पीकर लगवा रहा था तो पुरानी मस्जिद थी, वेल्डिंग वाले आए हुए थे दो लड़के, ऊपर जो था ना वो सख्त परेशान जगह पर खड़ा हुआ था बड़ा मुश्किल से, उसने जो प्लेट वेल्ड की ना उसकी उंगली काट दी इस प्लेट ने, बड़ी खतरनाक। तो नीचे वाला उसका जो था ना साथी वो से कहता है हौसला ना छोड़ना, कुछ नहीं हुआ है, ऊपर से खून गिर रहा है, कट गया काफी सा, हौसला नहीं छोड़ना, बस मैं आया। मैं देखता रहा उन दोनों, वो फटाफट गया उसने वहाँ वो पकड़ प्लेट पकड़ी और उससे टुच लगा दिया वेल्डिंग, फिर उसे नीचे उतार ली। और अगर वो हौसला छोड़ देता तो उसकी गर्दन भी वो प्लेट ले जाती। तो हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई में भी नहीं छोड़ना चाहिए। उस्ताद गुस्से में कह देता होता है तुम्हें सबक याद ही नहीं होगा, करके दिखाओ। वो मैं आज करके दिखाऊंगा, याद कैसे नहीं होगा। हौसला नहीं छोड़ना, तो मरीज के पास जाए उसे हौसला देना है कि आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, दाने शाने ख़त्म हो जाएंगे, बस कुरान पढ़ें, सबक याद करें, सबकी याद करें, मंजिल याद करें। हाँ हम कहते हैं फलां डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ने शिफा दी, उस डॉक्टर ने अच्छा नुस्खा लिखा। डॉक्टर अल्ताफ साहब हमारे क्लिनिक में बैठते हैं, अच्छी दवाई दी लेकिन शिफा अल्लाह ने दी। डॉक्टर की तरफ शिफा नहीं करनी, इस दवा में शिफा की तासीर अल्लाह ने पैदा कर दी। गणेश शाह जी का तावीज़ बड़ा चलता है, वो सारा अकीदा ख़राब हो जाता है, फलां डॉक्टर की दवाई है बंदा सारे ठीक हो जाते हैं। लोग कहते हैं अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी है, लोग कहते हैं अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी, यानी शिफा अल्लाह ने देनी। वो तो एक नुस्खा तजवीज़ करता है, मैंने बाकायदगी से एहतियात किया, परहेज किया, दवाई खाई, उस बादशाह ने शिफा दे दी। अल्लाह हम सबको शिफा अता। सही बुखारी 5675।